सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है छड़ियों का गुच्छा। एक समय की बात है, एक परिवार में एक पिता और तीन बेटे रहते थे, राम, श्याम और राजू। वे हमेशा झगड़ा करते रहते थे। इस बात पे उनके पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन पिता के दिमाग में एक युक्ति आई। इन तीनों बच्चों को छड़ियों का गुच्छा दिया और उसको तोड़ने को कहा। पहले राम की बारी थी। राम कहता, ये तो बड़ा आसान काम है, मैं इसको चुटकी में करके दिखाता हूँ। राम ने बहुत कोशिश की पर वे नहीं तोड़ पाया। अब श्याम की बारी थी। श्याम कहता, राम को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। उसने भी बहुत कोशिश की पर वे भी नहीं तोड़ पाया। अब राजू की बारी थी। राजू कहता, ये दोनों तो बुद्धू हैं, इनमें दिमाग नहीं है, मैं सिखाता हूँ। उसने भी बहुत कोशिश की पर वे भी नहीं तोड़ पाया। अब उनके पिता ने उनको एक छड़ी दिया, उनको उसको तोड़ने को कहा। उन तीनों ने इसको झट से तोड़। उनके पिता ने कहा, अगर मेरे बच्चों, अगर तुम छड़ियों के गुच्छे की तरह एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा, और अगर तुम एक छड़ी की तरह रहोगे तो तुम्हें कोई भी आसानी से अलग कर देगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इन सब पपेट्स को कैसे बनाते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है।